नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में स्टेशन पर यात्रियों की जो भीड़ है वो भी ज़्यादा रहती है। उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा रेल प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है। इसी को देखते हुए भागलपुर में मालदा डिवीज़न के डीआरएम विकास चौबे निरीक्षण करने के लिए निकले हैं और देख रहे हैं कि यात्रियों को सही तरीके से तमाम सुविधाएँ जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। और उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षा जो है वो दी जाए। वही बता दें कि कई स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण का काम करते हुए ट्रैक सिग्नल, पैनल रूम, लोकेशन बॉक्स, गाड़ी चलाने के लिए बिजली के जो प्रावधान होते हैं, ड्राइवर को जो सिग्नल मिलते हैं उसकी एलिजिबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और वहीं यात्रियों को जो मौलिक सुविधाएँ हैं वो तमाम चीज़ें दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ यह भी आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन के तहत सबौर, कहलगांव जैसे कई स्टेशनों पर कार्य जो चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर मालदा डिवीज़न के जो डीआरएम हैं विकास चौबे, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। नॉर्मली हफ्ते में एक दिन हम लोग बाहर निकलते हैं और पूरे मंडल का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। सारी टीम हमारे साथ है, सभी विभाग के लोग हैं। तो सबसे पहला हमारा फोकस जो है वो सेफ्टी इंस्पेक्शन पर है, क्योंकि उस पर हम लोगों का पहला फोकस हमेशा रहता है। तो ट्रैक का निरीक्षण करते हुए आए हैं, हम लोगों ने सिग्नलिंग एसेट्स, जितने सिग्नलिंग के इक्विपमेंट हैं उनको गहन तरीके से देखा है अधिकारियों के साथ। पैनल रूम को विज़िट किया है, लोकेशन बॉक्स को हम लोगों ने देखा है, और जो ओवरहेड इक्विपमेंट है, जो बिजली का प्रावधान होता है गाड़ी चलने के लिए, तो उसको देखा है। जो सिग्नल्स हैं वो ड्राइवर को कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने इंजन पर खुद चल के देखा है कि सिग्नल विजिबिलिटी है कि नहीं है प्रॉपर। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम देखते हुए आए हैं। इसके अलावा यात्री सुविधाओं पे भी हमारा विशेष ध्यान है। तो जितने अमृत भारत स्टेशन्स हैं, कहलगांव है और सबौर है, इन सब स्टेशनों की भी हम लोगों ने समीक्षा करी है, और जो जो कार्य उसमें चल रहे हैं काफ़ी संतोषजनक है। कुछ जगहों पे थोड़ा दिक्कत है क्योंकि पानी बरसात की वजह से दिक्कत आ रही है, बट ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट है, क्योंकि सारे टेंडर्स फाइनल हो चुके हैं, सारी एजेंसीज काम कर रही हैं सब जगहों पे, तो सब जगह जिसको कहते हैं कि कार्य चालू है। भागलपुर हम लोग पहुँचे हैं और भागलपुर में यात्री सुविधाओं की जितनी भी व्यवस्था है उसको एक एक करके निरीक्षण किया है, और जो निर्देश देने थे वो निर्देश लोगों को दिए गए हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर बार 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 आ करके हम लोग न केवल जो सभी विभागों द्वारा जो व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जाती हैं उन पे उनका रखरखाव, उनकी कंडीशन कैसी है, हमारी जो SIG टीम है जो यहाँ पे डे टू डे में देखती है उसको किस तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है, कहीं पे फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई टेक्निकल असिस्टेंस, तो वो सारी चीज़ों पे अभी चर्चा होगी। और निरीक्षण क्या क्या निरीक्षण, तो एक मैंने बताया ना कि सेफ्टी का निरीक्षण, अभी निरीक्षण और भी होगा। अभी मैं जा करके हमको बताया गया कि जमालपुर साइड से जो सिग्नल की विजिबिलिटी है उसमें कोई इशू है, तो वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, उसको देखेंगे, उसके हिसाब से जो सुधार करने की ज़रूरत है वो निर्देश हम लोगों को देंगे, या फिर अगर उनकी कोई समस्या होगी तो उसको सुन करके उस पर जैसा समाधान करने की ज़रूरत है वो करेंगे। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे की जो टोटल विड्थ होती है उसके अनुसार एक शेड्यूल ऑफ डायमेंशन होता है, तो बहुत चौड़ी सीढ़ी बना देने से ये डर रहेगा कि जो चलती हुई ट्रेन है उससे बहुत नज़दीक हो जाएगी, तो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म छोटा है, उसकी विड्थ छोटी है, इसलिए वो सीढ़ी भी छोटी है, इसका भी समाधान हम लोग करेंगे, लेकिन उसको करने के लिए यार्ड की रिमॉडलिंग की ज़रूरत है। वो वर्क हम लोगों ने पूरा प्लानिंग कर लिया है, उसके नक्शे बन करके हम लोगों ने वर्क प्रपोज करा है। जैसे ही वो सैंक्शन हमको मिल जाती है तो ये प्लेटफॉर्म भी चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, लेकिन ये साधारण काम नहीं है, इसको करने के लिए पूरा RRI चेंज होगा, इसके लिए यार्ड की पटरियां हटेंगी, तब जाकर के वो चौड़ा हो पाएगा। नहीं, श्रावण मेला चल रहा है, समय 4 तारीख से चालू हो गया है, और मैं समझ रहा हूँ कि कल के दिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम भीड़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही बहुत इंटेंसिवली स्टडी करके सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं वहाँ पर। वॉच टावर्स बनाए गए हैं दोनों तरफ, RPF और कमर्शियल डिपार्टमेंट की टुकड़ियां जो हैं करीब 9 लोकेशंस पे उनको तैनात किया गया है। ये कोशिश की जा रही है कि जो भी सुविधाएं हैं जो हर बार प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि शौचालय, जैसे कि पानी,
जैसे कि पूछताछ, ये सारी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। हम लोगों का प्रयास ये भी है कि यहाँ पे जो यात्री उतरते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे स्टेशन पे न रुकें, तो इस विषय में भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ भी बैठक की गई है, उनसे पत्र व्यवहार भी किया गया है। हम लोग आसपास के किसी लोकल एरिया को चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर नॉमिनेट कर देगा तो ये यात्री वहाँ पे जो अगले आने वाले यात्री हैं उनको असुविधा नहीं होगी। सर्कुलेटिंग एरिया जो है वो सर्कुलेशन के लिए यूज़ होना चाहिए। तो ऑल्दो सारी व्यवस्था हमने पूरी करी गई है, इसके अलावा एम्बुलेंस प्रोवाइड करी है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फर्स्ट एड वगैरह इस तरह की व्यवस्था है, और गाइड करने के लिए वहाँ पे पूरी इंतज़ाम है। सीसीटीवी का वो प्रबंध किया गया है, कई गाड़ियों के स्टॉपेज दिए गए हैं, नई गाड़ियाँ चालू की गई हैं। तो आपने सुना कि मालदा डिवीज़न के डीआरएम विकास चौबे इसको लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताह में एक बार वो बाहर निकलते हैं, कई स्टेशनों का निरीक्षण करते हैं और क्या कुछ किस तरीके से काम चल रहा है उसका भी वो जायजा लेते हैं। उनके साथ कई सारे जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी यात्री उस स्टेशन पर आ रहे हैं उन्हें तमाम सुविधाएँ जो हैं वो दी जा सके, सुरक्षा जो है वो उन्हें दी जा सके। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।